दफ्तर पे और उससे जुड़े लोगों पर छापेमारी चल रही है, और UAPA के तहत और IPC के डिफरेंट सेक्शन के तहत चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये मामला 17 अगस्त को दर्ज हुआ था। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे। सरकार के खिलाफ वो लिखते पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, इसके कारण से ये कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। जहां तक चाइना को लेकर इस मामले को जोड़ा जा रहा है, तो चीन तो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं। चीन हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उसके बाद लगातार आप चीन से लाखों करोड़ का व्यापार बढ़ा रहे हैं। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो चीन के साथ जो व्यापार है उसमें अडानी का, नरेंद्र मोदी जी के दोस्त का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अडानी का नुकसान ना होने पाए, इसलिए चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करके नौटंकी करेंगे, ड्रामा करेंगे। हिम्मत है तो चीन के खिलाफ बोलो ना, घुसपैठ के खिलाफ। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, बोलो ना। हमारी सीमाओं में चीन घुस रहा है, इसको बोलो ना, हिम्मत है तो। पत्रकारों पर कार्रवाई कर रहे हो, ड्रामा और नौटंकी कर रहे हो। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगाया गया, उसकी कोई जांच नहीं होती। चीन के व्यापारियों ने लगाया, उसके प्रमाण सामने आए, उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे करारा प्रहार है। दूसरी तरफ कास्ट सेंसस जो बिहार में चल रहा था वो जारी हो गया रिपोर्ट, और इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग भी नीतीश कुमार ने बुलाई है कि किस तरह से होगा। अब इसकी मांग देश में भी शुरू हो गई है, दूसरे राज्यों में, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। देखिए, ये आज की मांग नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही मांग है। समाज के वंचित शोषित वर्ग के लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है, इसका आकलन तो करा लो। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, इसका तो आकलन करा लो। अच्छा, आप बताइए, अब आरक्षण की व्यवस्था से कौन वंचित रह गया इस देश में? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, सवर्णों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए भी आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए तमाम और दूसरी सरकारी योजनाओं में सुविधाएं। तो जब आप मालूम ही नहीं करेंगे कि किस जाति की कितनी संख्या है, किस वर्ग समूह की कितनी संख्या है, तो उनके साथ आप न्याय कैसे कर पाएंगे? तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जमीन पर सही रूप में लागू करने के लिए, आरक्षण की व्यवस्था को सही रूप में लागू करने के लिए, सरकारी योजनाओं में मिल रहे लाभ को सही रूप में लागू करने के लिए ये अति आवश्यक है कि जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाए। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारों में पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी पार्टी है, ये छुआछूत और भेदभाव में यकीन रखते हैं, और इसी कारण से श्री रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया था, इसी कारण से संसद के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया था, वो भावना इसमें भी उजागर होती है कि ये जातीय जनगणना से भाग रहे हैं, ये जातीय जनगणना से पीछे हट रहे हैं। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, जातीय जनगणना पूरे देश में करानी होगी, वरना किसानों से भी बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होगा। पूरे देश में कराओ जातीय जनगणना। लेकिन प्रधानमंत्री तो कल कहे जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद कि आप लोग, माने विपक्ष जो है सो गरीबों के जज्बात से खेल रहा है। कैसे जज्बात से खेल रहा है? आप न्याय कर रहे हैं गरीबों के साथ, आप न्याय कर रहे हैं पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ आप न्याय कर रहे हैं? आपके प्रदेश में जहां पर भाजपा का शासन है, डबल इंजन की सरकार है, आदिवासी युवक पर पेशाब करता हुआ भाजपा नेता, आपके प्रदेश गुजरात के अंदर एक छोटे से बच्चे ने, क्योंकि वो दलित समाज से था, उसने गेंद छू लिया, उसका अंगूठा काट दिया गया, उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन CRPF के जवान को लेना पड़ता है,
आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए भी समाज के वंचित लोगों को, दलित लोगों को, शोषित लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। आप न्याय कर रहे हैं इस देश के शोषितों पिछड़ों के साथ। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भेदभाव की जो भावना है भाजपा के मन में, वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है जातीय जनगणना से, ये जो पीछे भाग रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन ही धर्म है, बाकी सब संप्रदाय, उपासना और पद्धति है। अब उनका कहां से कौन रिसर्च है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान इस देश के अंदर है, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की भावना में यकीन रखता है। वो कहता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो इस विश्व में रहने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हम तो ये सनातन और ये हिंदू धर्म मानते हैं। अब उनकी अपनी अलग कोई परिभाषा होगी तो मुझे नहीं मालूम।